मेरा ये बचपन से ही पैशन रहा है एजुकेशनिस्ट के साथ साथ। मैं पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा करना कि मैं एक देश की नागरिक हूँ, देश देता है हमें सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये मेरे खून में है कि मैं देश का कर्ज कैसे उतारूं। तो इसके लिए मैं कुछ जो भगवान ने मुझे हिम्मत दी है, मैं ऑर्गन नोटों के साथ मिलकर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पर काम करती हूँ। अभी तक मैं 5,200 लोगों की आइस डोनेट हमारी संस्था निष्काम सेवा संस्थान के थ्रू हम शराफाई हॉस्पिटल में दे चुके हैं, और दूसरे देशों से हमारे देश में 0.01% अवेयरनेस है। आज देखिए किडनी की 5 लाख लोगों को जरूरत होती है और हमें 2 से 2,500 मिलती है। कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं मरने के बाद इसका अंग भंग हो जाएंगे, मिथ है। अभी 14 मार्च को एक अथर भटनागर 17 साल के बच्चे की ब्रेन डेथ हो गई थी, जिसको आकाश हॉस्पिटल में लाया गया था, और उस बच्चे के मदर फादर को, इकलौते बच्चे की हमने काउंसलिंग की और उस बच्चे के 8 ऑर्गन्स डोनेट किए गए। रातों रात गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया और जिसका जरूरत थी नोटों ने तुरंत वो उन 8 लोगों की जिंदगी बचा दी। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नोटों के साथ रजिस्टर्ड करें और प्लेज लें कि मरने के बाद हमारे टिश्यूज, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर दिया जाए, और कितने आप लोग मरने के बाद भी उन लोगों के अंदर हमेशा जिंदा रहोगे और उनकी दुआएं आपके परिवार को कहां ले जाएगी ये मैं कह नहीं सकती। मैम, जैसे आपने हमें अभी एक 17 इयर्स के बच्चे के बारे में बताया, आपने बताया कि उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए, तो इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही हैं कि पहला ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, और दूसरा आपने कोट किया था ब्रेन डेथ। मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि ब्रेन डेथ क्या होता है, क्योंकि मेरे को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज इस बारे में मुझे थोड़ा गाइड करोगे। देखिए, ब्रेन डेथ हमारे जैसे एक्सीडेंटल केस वगैरह होते रहते हैं, और उनको जब हम ट्रॉमा में लेकर आते हैं ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं उसके, पर ये पूरा प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल में, पूरा टीम होती है, ये टीम डिसाइड करती है कि अब बच्चे के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, अब हम इसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे। यदि पेरेंट्स कंसेंट दे देते हैं तो उस समय से ही हर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का एक प्रोसीजर चालू हो जाता है, ताकि जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उसको रिवाइव करने का, हर एक का एक पीरियड होता है कि 6 घंटे के अंदर ये ऑर्गन दे सकते हैं, 2 घंटे के अंदर ये देना होता है। ये हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े सभी हॉस्पिटल्स के अंदर ये सुविधा है कि उनके ऑर्गन्स को ब्रेन डेथ के बाद हम रिवाइव कर देते हैं और तुरंत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमारे पास नोटों में रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी सारा प्रोसीजर करते हैं, किसको लीवर मैच कर रहा है, किसके किडनी मैच कर रही है, किसके लंग्स मैच कर रहे हैं, किसके साथ क्या क्या ऑर्गन, हार्ट किसके साथ मैच कर रहा है, तो जी वो हमारे पास टीम पहले से रेडी होती है। बहुत इसमें बड़ा काम होता है, बड़ी टीम काम करती है इसके अंदर। तो नोटों से हमें जैसे मैसेज मिल जाता है, आकाश में जैसे हुआ था रात को, बच्चे का डिक्लेयर कर दिया गया था कि 6:30 बजे बच्चे की ब्रेन डेथ हो गई थी, तुरंत उनके पेरेंट्स की कंसेंट के बाद उन्होंने जितने ऑर्गन थे वो रिवाइव करने शुरू कर दिए थे, और हर जगह मैसेज पहुंचा दिया गया था, और रात को 11 बजे से हर हॉस्पिटल की, मेदांता की, फोर्टिस की, जहां जहां भी जिस ऑर्गन की जरूरत थी वो टीम रात को आ गई थी। पूरी दिल्ली के अंदर सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया था और उसका ऑर्गन उस पेशेंट को तक पहुंचा दिया गया था, उसी टाइम ट्रांसप्लांट कर दिया गया उनको तुरंत। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है कि ये चीज हो गई है या ये चीज होने वाली है अभी, कि किसी को ऑर्गन किसी पेशेंट के पास जाना है? ये हमें नहीं मिलती, ये नोटो, यह नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है सफदरजंग की, उनके पास पूरा डाटा है, पूरे इंडिया का डाटा है। कई बार हम जयपुर वगैरह से भी हार्ट लेकर आए हैं, तो वो ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू हमें पता है कि 2 घंटे तक हमें इसे पहुंचाना है, तो हम ले आते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये डाटा सारा गवर्नमेंट के पास होता है, और जब किसी हॉस्पिटल से इस तरह का मैसेज जाता है वो सारी तैयारी गवर्नमेंट के थ्रू हो जाती है कि फोर्टिस में ये जाएगा, मेदांता में ये जाएगा, मैक्स में ये प्लान जाएगा,
बोन दे रहे हैं, टिश्यू दे रहे हैं, हम बहुत सारी 54 तरह के हमारे अंदर टिश्यूज वगैरह होते हैं जो कि हम किसी की जान बचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।